अनंत सिंह जेल में है और वो नीतीश कुमार पर वार करते रहते हैं। तो जेल में है तो क्या है, जेल में जबरदस्ती भेज दिया है, पूरा जनता नहीं जान रहा है। हम सारा राज खोल दिए हैं, वो तो सरकार है जिसके चलते ना। वो जो विधायक जी बोले हैं कि जैसे ही तेजस्वी जी का सरकार बनेगा वैसे ही ये नीरज कुमार और नीतीश कुमार और ललन सिंह सब जेल के भीतर रहेंगे, ये वो बता देते हैं। कहते कि जेल में नींद आ रहा है उनको, इसको नींद आ रहा है, खूब नींद आ रहा है, इसको नींद आ रहा है ना। अभी तो देखिए ना धीरे धीरे कैसा नींद आ रहा है, अभी तो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है। अभी देखिए आगे 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा किसको नींद आता है किसको नहीं आता है। क्या लगता है सर, मोकामा विधानसभा में अभी आप अभी प्रचार में उतरे हुए, अनंत सिंह का कैसा माहौल है विधायक? आप तो समा देख के नहीं पता चल रहा है, मोकामा तो मोकामा है, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव का लहर चल रहा है और अनंत सिंह का लहर चल रहा है, समझ गए ना। ये सारी जनता जान गई है, इन लोग का पोल खुल चुका है और तेजस्वी यादव ने आज तक जो बोला है, क्योंकि वो एक ठेठ बिहारी हैं और ठेठ बिहारी जो बोलते हैं वो सत बोलते हैं, इनके तरफ पलटू राम नहीं है कि बोल के पलट जाते हैं, समझ गए ना। तेजस्वी यादव जो बोले हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले कैबिनेट बैठक में मैं युवाओं को 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है वो सबसे पहले वो वादा पूरा हो। जदयू के कुछ नेता कहते हैं कि राम रावण का लड़ाई है, तो पता चल रहा है, आप लोग नहीं देख रहे हैं कौन राम है और कौन रावण है, कैसे जनता को छोड़ देता है ये रावण। जब जनता पर आफत आती है तो ये रावण घर से नहीं निकलता है, और राम कौन है जो घर से निकल के सारा जनता के बीच में जाता है, ये पता नहीं चला। बाढ़ में नहीं पता चला, कोरोना में नहीं पता चला, चमकी बुखार में नहीं पता चला, वो तो सब जनता जान रही है कि कौन राम है और कौन रावण है, वो पता चल जाएगा 10 तारीख को। ये नीतीश कुमार जो रावण है और ललन सिंह जो है इसका जो वध होगा ना, जनता जो वध करेगी ना, वो पता चल जाएगा। कुछ नेता कह रहे भीड़ अलग है मतदाता अलग है, कौन नेता बोलता है, कौन है रे भाई, क्या नाम है, कौन भीड़ अलग है मतदाता अलग है। एक तरफा वोट जा रहा है पूरे बिहार में महागठबंधन को, जिससे ये लोग कितना परेशान है आप देख रहे हैं कि आपसी मतभेद कितना है एनडीए में, उन लोग को बार बार बयान देना पड़ रहा है। आपको पता चलना चाहिए पत्रकार महोदय कि किसकी लहर है, आप लोग भी जान रहे हैं। अबर जो है ये सरकार, निकम्मी जो सरकार है ये हटने वाली है, बिहार में युवाओं की जो लहर चल रही है और जिधर युवा रहता है उधर ही सरकार रहता है। मैं पहले बोल दिया कि ये 2020 का मैच है और 2020 मैच में युवा मुख्यमंत्री होगा और ये तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री होकर रहेंगे। धन्यवाद।